धार जिले में पीथमपुर के पास घाटा बिल्लोद में एक 24 वर्षीय युवक ने मंगलवार को पुलिस की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर सल्फास खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पीथमपुर के घाटा बिल्लोद में किराए के मकान का विवाद होने पर पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने से युवक आहत हो गया और उसने सल्फास खाकर आत्महत्या का प्रयास किया, जिसके बाद युवक का इलाज धार के शासकीय अस्पताल में चल रहा था, लेकिन युवक ने मंगलवार को रात्रि में ही दम तोड़ दिया। युवक का नाम महेश योगी, घाटा बिल्लोद के गंगानगर का रहने वाला बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात उनके मकान मालिक से किराए को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें युवक की माँ के साथ मकान मालिक और उसकी पत्नी के द्वारा मारपीट करना बताया जा रहा है। घाटा बिल्लोद चौकी द्वारा उक्त प्रकरण दर्ज कर लिया गया था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने पर युवक नाराज था, जिसके कारण उक्त युवक ने सल्फास खा ली थी। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आज सवेरे मृतक के परिजनों द्वारा जिला अस्पताल पर धरना देकर कार्यवाही की मांग की है, जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि वे जो भी जिम्मेदार होगा उस पर कार्यवाही करेंगे। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। क्या हुआ? मेरी मम्मी और ये किराए से उन आंटी जी साथ रहते थे। मेरी मम्मी ने रूम खाली किया, हमारे घर का मकान का काम चल रहा था, तो वो लड़की का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, तो मेरे घर में उसकी मम्मी ने उस लड़के को एक साथ देख लिया, उस लड़के को तो मम्मी को बोला तू कुछ मत बोलना, हमारी इज्जत का सवाल है। तो मम्मी ने किसी को कुछ नहीं बताया। जब उसके पापा को किसी और से पता चला तो मेरी मम्मी को बोला कि तू मुँह बंद रख, भैया रिपोर्ट करने बोया तो नहीं करनी। फिर एक दो दिन बीतने के बाद मेरी मम्मी को इतनी बेरहमी से पीटा और फिर इन्होंने रात भी इन आंटी जी के घर पे बिताई और पूरी रात इनको इधर से उधर भगाया। और जब रिपोर्ट लिखवाने गए तो पुलिस वालों ने बोला अगर वो तुम्हें मारता तो तुम जिंदा नहीं आते, और तुम जब तुम दोनों में से कोई एक मर जाएगा तो हम FIR दर्ज कर लेंगे। ये बोला मेरे भाई ने, उनके सामने जहर खाया, लेकिन और पुलिस वालों ने मेरे भाई को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाया था। कौन से थाने के सामने खाया? मम्मी के कारण, एसपी के कारण गया। क्या मामला आया है? कल घाटा बिल्लोद क्षेत्र में रहने वाली ललिता बाई ने उनके पास में रहने वाले राजेंद्र, सुनीता और अर्जुन के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई थी कि लड़की को बदनाम करने के संबंध में कुछ रिपोर्ट लिखाई थी, और इसी बात पे इन लोगों की आपसी में मारपीट हुई थी, जिसमें ललिता बाई को बेल्ट वगैरह से मारा था, चोट आई थी। पुलिस ने गंभीरता से मामले को तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया, धारा 294, 323, 506, 34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया, और जो वैधानिक कार्रवाई होती है तत्काल तीनों आरोपियों के विरुद्ध किया, और 107-16 की कार्रवाई की गई, और आज उनको दो अन्य आरोपियों को भी मामले में 151 की धारा पृथक से लगाकर मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष पेश किया गया है। सर, इसमें युवक ने जहर खाया है और उनका कहना है कि पुलिस ने उनको आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया था। ये पुलिस के द्वारा, मैंने जैसा कि पहले ही कह दिया कि पुलिस द्वारा जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो पूरी की गई है, और इसमें समझने में हो सकता है उनको फेर हो, उनको किसी माध्यम से बता भी दिया गया था कि पूरी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। घाटा बिल्लोद चौकी थाना पीथमपुर का प्रकरण है, दो परिवारों में विवाद हो गया था, आरोपी पक्ष इनके घर पे जाके विवाद किया था ऐसा इनका बताना है, किंतु जब विवाद की बात हुई थी तो पुलिस चौकी पे इनकी तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, 294, 323, 506 प्रकरण पंजीबद्ध करके जो आरोपी गण थे उसमें से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था, और उसके बाद में उनके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 151 करके SDM महोदय के कोर्ट में पेश किया था, बाद उसकी जमानत वहाँ से हुई है, क्योंकि जो जिसने सुसाइड किया है वो चौकी पर भी गया था और उसको घटनाक्रम बताया था, उसमें रोष में कि उनको जेल क्यों नहीं भेजा, क्योंकि जेल भेजना या न भेजना पुलिस के हाथ में नहीं, पुलिस के द्वारा पेश किया गया था, उस पर से इन लोगों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा उनको जेल नहीं भेजा है या पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, और उस लड़के ने सुसाइड किया है। प्रकरण में मर्ग पंजीबद्ध किया गया है, और इस संबंध में अगर इनके जो कोई आरोप हैं उस संबंध में भी जो तथ्य है उसके ऊपर जांच कर लेंगे, अगर कोई दोषी होगा तो तदनुसार कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने धाराएं क्या क्या लगाई? मिसलिनियस धाराओं का प्रकरण 294 धारा है, ये जिस तरह का अपराध पंजीबद्ध हुआ, जिस तरह की चोटें थी उसको देखते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।